मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लगातार एक के बाद एक झटका लग रहा है। संजय शुक्ला समेत कांग्रेस से कई नेता बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। संजय शुक्ला के बीजेपी में शामिल होते समय कैलाश विजयवर्गीय ने उनसे मजाक कर दिया। प्रदेश में मोहन यादव के सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विधानसभा चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी रहे संजय शुक्ला को शनिवार को बीजेपी ज्वाइन कराते समय उन्हें केसरिया दुपट्टा भेंट किया। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने संजय शुक्ला से मजाकिया अंदाज में कहा, विधानसभा चुनाव में तुमसे खूब गालियां भी सुनी और तुम्हें बीजेपी भी ज्वाइन करवा रहा हूं। कैलाश विजयवर्गीय की ओर से बीजेपी में शामिल होने के दौरान संजय शुक्ला पर मजाकिया अंदाज में तंज से वहां मौजूद नेताओं ने जमकर ठहाके लगाए। कैलाश विजयवर्गीय का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। जब यह घटनाक्रम घटित हो रहा था उस समय प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा, राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित भाजपा के दिग्गज नेता मंच पर मौजूद थे। हालांकि मजाक ही मजाक में कैलाश विजयवर्गीय ने एक और गंभीर बात बोल दी और वो ये थी कि उन्होंने कह दिया कि जल्द ही कांग्रेस नेताओं की दूसरी खेप भी वो लेकर के आएंगे और इसी के नाते से प्रदेश का सियासी पारा एक बार फिर से हाई हो गया है। कैलाश विजयवर्गीय का ये दावा ऐसे ही नहीं है, बल्कि कैलाश विजयवर्गीय ने जब से प्रदेश की राजनीति में अपनी सक्रियता दिखाई है तो कांग्रेस के कई कद्दावर नेताओं को बीजेपी में शामिल करवा चुके हैं। आपको बता दें कि एमपी विधानसभा चुनाव 2023 में एक दूसरे को आमने सामने से टक्कर देने वाले बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता अब एक ही पार्टी के हो गए हैं। तब उनके बीच इंदौरी स्टाइल में बातचीत शुरू हो गई। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बीजेपी ऑफिस में पूर्व विधायक संजय शुक्ला को बीजेपी में शामिल करवाया। जब तक राजनीतिक मंच से ये बोला गया कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के पूर्व विधायक संजय शुक्ला को दुपट्टा पहनाकर बीजेपी में स्वागत करेंगे तो कैलाश विजयवर्गीय भी मुस्कुरा उठे। उन्होंने केसरिया दुपट्टा संजय शुक्ला के गले में डालकर कहा, तुमसे खूब गालियां सुनी, अब तुम्हें ही बीजेपी ज्वाइन करवा रहा हूं। बीजेपी ज्वाइन करते ही कांग्रेस के पूर्व नेताओं की अचानक भाषा भी बदल गई। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जमकर तारीफ की। इस दौरान उन्होंने अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस को जमकर कोसा। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी सहित बीजेपी ज्वाइन करने वाले पूर्व विधायकों ने दावा करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 29 सीटें बीजेपी के खाते में आएगी। अब देखना होगा कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेताओं के अंदर भगदड़ मची हुई है, वो लगातार बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय ने यह दावा किया है कि जल्द ही कांग्रेस नेताओं की दूसरी खेप लेकर के आएंगे, यानी उनको भी बीजेपी में शामिल कराएंगे, तो ऐसे में माना जा रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश कांग्रेस के कुछ बड़े और कद्दावर नेताओं को अपने साथ बीजेपी में ला सकते हैं और इसके लिए वो कोई प्लान तैयार कर रखे हैं और उसी प्लान के आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा। अब यह सब कुछ देखना दिलचस्प होगा कि आगे कैलाश विजयवर्गीय क्या कुछ करिश्मा दिखाते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।